जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स को समझ लेते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट फोर में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये मौजूद है। डीपीएसपी को सबसे पहले समझते हैं। सप्रू तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने 1945 में इसे लाया, और इन्होंने दो कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात की। पहला जस्टिसिएबल, जिसको आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में के थ्रू जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसिएबल, क्योंकि कोर्ट्स के द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है। और दूसरा है आपका नॉन जस्टिसिएबल डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे किसी प्रोविजन को आप कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं करा सकते हैं। इनके ये डीपीएसपी किन के अधिकार होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट को ये डायरेक्शन होता है कि वो जो भी अपने यहाँ पॉलिसीज बनाए वो वेलफेयर स्टेट के लिए, लोगों की सेवा के लिए बनाएंगे। ये डीपीएसपी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी दिखता है, नंबर वन। नंबर टू, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी कंट्री में लाने में मदद करता है, और डीपीएसपी को आप कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं इन केस ऑफ वायलेशन। अब देखते हैं, डीपीएसपी तीन आधार पर बटा हुआ है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयन, तीसरा है लिबरल प्रिंसिपल्स हैं। पहला देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, इनका बेस क्या है कि भाई हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाना है, ठीक है, ताकि हम एक वेलफेयर स्टेट बन सकें। देखते हैं आर्टिकल 38 में मुख्य बातें क्या है कि हमें किसी तरह का इनइक्वालिटीज इनकम के आधार पर, स्टेटस यानी आप बड़े या हम छोटे, ऐसा बात नहीं। फैसिलिटी जो भी सुविधा है वो सुविधा इक्वालिटी से सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अपॉर्चुनिटी सभी को मौका मिलेगा। इन इक्वालिटीज को कम करते हुए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोशल हमें ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना है आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 में सही लाइवलीहुड यानी जीवन जीने के लिए जो सही चीजों की आवश्यकता है, सही तरीके से जीवन जीने की बात यहाँ पे की गई है। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, सिमिलर जॉब सिमिलर पेमेंट की बात है, मेल और फीमेल पर कहीं से भी आप ये नहीं कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, आप इनका इस्तेमाल, आप किसी भी तरह का अब्यूज नहीं कर सकते बच्चों के साथ, ये आर्टिकल नंबर 39 में मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 39A देखिए, वो है प्रमोट इक्वल जस्टिस फॉर गरीबों के लिए, जो फ्री लीगल एड है वो प्रोवाइड करने की बात हुई 39A में। फिर 41 में, आर्टिकल 41 में देखिए, जो भी अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज है, सिख है या डिसेबल है, उनके लिए वर्क एजुकेशन या सामाजिक तौर पे उनको कोई मदद अगर चाहिए तो उनको प्रोवाइड राज्य सरकार करवाएगी। स्टेट आर्टिकल 42 देखिएगा, मेटर्निटी रिलीफ, महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मेटर्निटी रिलीफ दिया गया है, छुट्टी दी गई है काम पर से। फिर एक ऐसा ह्यूमन कंडीशन क्रिएट करने का जिम्मेदारी स्टेट पर होती है कि वो वहां पर वर्कर काम कर सके। आर्टिकल 43 देखिए, एक लिविंग वेज होना चाहिए, कम पैसा नहीं दिया जाना चाहिए कोई भी वर्कर को, एक सेट लिविंग वेज होना चाहिए। फिर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वर्कर, मतलब एक ऐसा माहौल अपने यहाँ बनाइए जिसके तहत वहां पर एक सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी वर्कर्स में प्रोवाइड हो सके, ठीक है ना। वो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक अच्छा माहौल जिसमें जी सके, और साथ में सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी वर्कर्स के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी कुछ मौके उनके लिए मिल सके वर्कर्स के, ताकि डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आइएगा गांधीयन प्रिंसिपल, यानी गांधी जी क्या मानते थे वो, और उसे क्या डीपीएसपी में शामिल कराया गया, ठीक है। पहला है कि विलेज पंचायत, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अच्छा उदाहरण, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे में बात है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर 43 में कॉटेज इंडस्ट्री के वर्कर्स के लेकर के वहां पर रूरल एरियाज में है, उनके वेलफेयर के बारे में गांधी जी ने बात की थी, आर्टिकल 43 में दिया हुआ है, ठीक। इसी तरह से आर्टिकल 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 46 इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर, क्योंकि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में प्रमोट करने की बात की थी। एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी जो भी आरक्षण देना है या जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी गरीब है तो उनको कुछ मदद अलग से दिया जाए, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किसी तरह का सोशल इनजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिक तौर पर ना हो उनके साथ। फिर आर्टिकल 47 ड्रग्स या किसी तरह का
इंजूरियस कोई भी ऐसी चीज ना हो, राज्य सरकार उस पर कंट्रोल करें। 48 जो काउज और काव्स पर स्ट्रिक्टली बैंड है कि आप भारत में तो नहीं इनका प्रयोग कर सकते हैं, खाने पीने के लिए काट नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है डीपीएसपी, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, इसका मतलब है एक देश एक कानून, यानी एक देश एक विधान। अभी भी कई धर्म है जो कि इसे मानने को तैयार नहीं है। भाई जब आप एक ही कंट्री में रहते हैं तो आपको इस कानून को मानना पड़ेगा। एक कानून होगा सबके लिए, एक सा कानून, इसकी बात है, अभी पेंडिंग है। फिर आर्टिकल नंबर 45 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 6 ईयर्स तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन तो देना ही देना है, उनका केयर करना ही करना है। आर्टिकल 48 जो पशुपालन है और एग्रीकल्चर है उनको मॉडर्न लाइन और साइंटिफिक लाइंस पर राज्य सरकार उसे और डेवलप करे। आर्टिकल नंबर 49 आप देखें तो हमारे यहाँ जो बहुत विद्वान लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं, पानी पे गंदे नाली का पानी बहा देते हैं, जो हमारे नेशनल हेरिटेज के मॉन्यूमेंट्स हैं, दिल बना दिया वहां पे जाकर के, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का दीवारों पे लिख दिया, आई लव यू लिख दिया, मतलब ये क्या आपका ये हेरिटेज आपके लिए बोर्ड नहीं है जहां पे आप जाके कुछ भी लिखें। उसको प्रोटेक्ट कराने की, उसको संरक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार का, हालांकि हम लोग की फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को अलग रखे एग्जीक्यूटिव या पब्लिक सर्विस से, क्योंकि जुडिशरी अगर अलग होगा तभी वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। जुडिशियल रिव्यू क्या है वो हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में बताया है। साथ में वो जुडिशरी से ही लोगों को जस्टिस मिलता है, वहां पर न्याय मिलता है, तो कम से कम जुडिशरी को अलग रखना है, उस पर दबाव नहीं क्रिएट करना है। लास्टली आर्टिकल नंबर 51 ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना है। भाई कैसे मेंटेन करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश ऐसा कोई लॉ ले आता है जिससे नेपाल नाराज हो रहा है तो उत्तर प्रदेश बदनाम नहीं होगा, क्योंकि यूपी इंडिया का हिस्सा है तो इंडिया का नेपाल के साथ रिलेशन खराब होगा, एक उदाहरण के तौर पर है ये। तो कहने का अर्थ है कि हमें राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी को पूरी तरह से माने। डीपीएसपी में 42nd अमेंडमेंट 1976 को क्या क्या शामिल किया, बहुत इंपॉर्टेंट वाले देखते हैं। 39 को हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 को ऐड किया गया। 39A जो गरीबों के लिए लीगल एड की बात की गई थी, गरीबों की कानूनी मदद की बात की गई थी, जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की गई थी। फिर 43A यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में एक तालमेल ताकि इसे स्मूथली चल सके, इंडस्ट्री कहीं भी क्लैश ना हो, इसके बारे में 43A में डाला गया। 48 मॉन्यूमेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 48 में 1976 42nd अमेंडमेंट में डाला गया। इसके बाद देखिए फैक्ट्स हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले। 44th अमेंडमेंट 1978 उसमें एक बार, ये दूसरी बार अमेंडमेंट किया गया, पहला 76 में था। 44th अमेंडमेंट विच रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, यानी उनके और भी कुछ शामिल किया गया जिसके तहत स्टेट किसी भी तरह के इनइक्वालिटी ऑफ इनकम स्टेटस फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी इस पे कंट्रोल करें, किसी भी तरह का इनइक्वालिटी असमानता ना है। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर 86 अमेंडमेंट 2002 इसके तहत चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A में शामिल कराया गया। आपको कंपल्सरी एजुकेशन को शामिल कराया गया था फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक वीडियो में, देखिएगा 21A में। और यहाँ पर दे अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चाइल्ड चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। ये 6 साल के बच्चों के लिए डीपीएसपी में बात किया गया, ध्यान रखिएगा 21A में, वहां कुछ अलग एज बच्चों के लिए मेंशनड है, आप वीडियो देख सकते हैं। फिर 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 37 ये भी छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि वीडियो पॉज करके आप चाहें तो पढ़ना पढ़ सकते हैं। आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई द प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए क्रिटिसिज्म क्या है डीपीएसपी का, इसको देखिए। पहला है नो लीगल फोर्स, यानी नॉन जस्टिस इवल है भैया, तो ये आप जब कोर्ट से हम ये लागू ही नहीं करवा सकते हैं तो इसका क्या मतलब बनता है, ये क्रिटिसिज्म है। मैं नहीं कह रहा कि ये जरूरी है या जरूरी नहीं है। इट इज इलॉजिकली अरेंज्ड बोला जाता है कि बहुत ही इलॉजिकली अरेंज्ड है, कैसे
कौन से प्रोविजन को कहाँ रखना है ये पता ही नहीं था। कंजर्वेटिव इन नेचर, लिखा हुआ है तो उसी बात को ही फॉलो करें, इसके अलावा और कुछ नहीं निकल करके आता है, लिखी हुई बात ही फॉलो होती है। तो ये चीज कंजर्वेटिव इन नेचर है, जो लिखी हुई बात बस वही फॉलो करेंगे राज्य सरकार, और कुछ इसके अलावा उससे जुड़ी हुई बातों को नहीं फॉलो करेंगे। ऐसा भी बोला जाता है कंजर्वेटिव यानी रिजिड होता है। इट मे प्रोड्यूस सो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी इसका मतलब हुआ कि भैया अगर सेंटर कुछ इनपुट देना चाहेगा डीपीएसपी के लिए, क्योंकि राज्य सरकारों का मामला होता है डीपीएसपी, तो हो सकता है स्टेट और सेंटर के बीच में क्लैश डेवलप हो, तो यहाँ पे एक संभावना बनता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है जो पूछता है नॉर्मली एग्जाम में। फुल फॉर्म है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश से लिया आपने, आयरलैंड से। डीपीएसपी में कहां से कहां तक आर्टिकल है, 36 से 51, डील करता है किस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। डीपीएसपी किन तीन आइडियाज पर, सोशलिस्ट, गांधी, लिबरल। डीपीएसपी कितने बार अमेंड हुए, 42nd अमेंडमेंट 1976, 44th अमेंडमेंट 1978, 86th अमेंडमेंट 2002, तीन दफा। डीपीएसपी जस्टिसेबल है कोर्ट में, नहीं है। डीपीएसपी सबॉर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट है, नहीं। दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चला जाता है, कोशिश किया जाता है। डीएसपी को नोबल फीचर किसने कहा, बी आर अम्बेडकर ने। डीपीएसपी फाइंड इट्स मोटिवेशन कहाँ से लिया गया, सीखा कहाँ से गया, तो आयरिश होम रूल मूवमेंट से। डीपीएसपी के लिए रिसेंट में कौन कौन से कानून बने, तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, फिर मिनिमम वेज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो कहने का मतलब है ये सब हॉट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। आज हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा, होल सम जितने भी फैक्ट है डीपीएसपी का सारा कलेक्ट करके हमने आपके सामने यहाँ पे रखने का कोशिश किया है। प्रयास करिए, वीडियो पॉज करके इसे देखिए, इंजॉय करिए, क्योंकि सारा फैक्ट है, फैक्ट के साथ खूब खेलिए, और यहाँ जो भी क्वेश्चन है ये आपका छूटेगा नहीं आपसे। बार बार इस वीडियो को अगर देखना हो तो देखिए, रिवाइंड करके देखना हो, फॉरवर्ड करके देखना हो, देखिए जरूर। और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, अगले टॉपिक में, ठीक है। इस टॉपिक को एंजॉय करिएगा, फिर आपसे बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद एवरीवन।